जय हिंद। वेलकम टू विजय पथ एजुकेशन पालमपुर, आप सभी का एक बार फिर से एचपीटेट साइकोलॉजी की सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज क्लास फोर्थ में आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रहेंगे, जिसमें 2012 से लेके 2024 तक के जो क्वेश्चन साइकोलॉजी के सेक्शन में आपसे पूछे जाते हैं, चाहे एचपीटेट आर्ट्स का एग्जाम है, नॉन मेडिकल का एग्जाम है, मेडिकल का एग्जाम है, जेबीटी एग्जाम है, शास्त्री एग्जाम, उन सभी के लिए आपके ये क्वेश्चन आज की क्लास में इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज की जिम्मेदारी सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। यानी कि आपको एक ऐसा प्रोसेस बताना है जिसमें बच्चों के अंदर हैबिट, स्किल्स, वैल्यू और मोटिवेशन डेवलप होती है। तो जब वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हैं सोसाइटी में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। बायलिंगुअल आपके सामने प्रश्न है और ये 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे पूछा गया। उसे सोशलाइजेशन, उसके बाद है एसिमिलेशन, उसके बाद है मेन स्ट्रीम और उसके बाद है डिफरेंशिएशन। तो ये आपको बताना है कि इनमें चार ऑप्शंस में से क्या इसका राइट आंसर रहेगा। जब बच्चा जिम्मेदार बन जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, यानी कि उसके अंदर एक सोसाइटी के प्रति जो है वो एक मोटिवेशन उसके अंदर है, सोसाइटी में किस तरीके से उसका रहन सहन है वो उसको समझ आ जाता है। इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं पे समाजीकरण जो है वो हो चुका है। तो इसलिए ऑप्शन ए समाजीकरण, सोशलाइजेशन इज द राइट आंसर। ये एचपीटेट 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है। ये आपको बताना है कि स्कूल हैज अ प्लेस इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, यानी कि किसके बाद होता है या फिर किसके पहले होता है। यहां पर बताया गया आफ्टर फैमिली, यानी कि फैमिली के बाद पाठशाला आती है, सोसाइटी के बाद पाठशाला आती है यानी कि उसका स्कूल, समूहन के द्वारा यानी कि ग्रुपिंग स्टेज के बाद जो है ये चीज आती है, या फिर मौखिक अवस्था में। ये आपको बताना है, ठीक है, कि ओरल स्टेज के बाद जो है वो पाठशाला का स्थान आता है। तो देखिए, जब सोशलाइजेशन होती है बच्चे की, तो बच्चा पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं कि बच्चा कहाँ से सीख रहा है, बच्चा सीख रहा है अपने घर से, अपनी फैमिली से जो है वो चीजों को वो सीख रहा है। और जब बच्चा अपनी फैमिली से सीखता है, यानी कि पहले जो टीचर है उसके वो माता पिता होते हैं और फिर बच्चा चला जाता है स्कूल में। तो अगर 1 से 5 साल का बच्चा पहले वो फैमिली में ही रहेगा, तो इसका मतलब है कि आफ्टर फैमिली, परिवार के बाद जो है वो क्या आ जाती है, सोशलाइजेशन उसकी कहां स्टार्ट हो जाती है, स्कूल में। यही चीज आपसे पूछी गई थी कि फैमिली के बाद बच्चा किस स्टेज में आ जाता है, स्कूल में आ जाता है। ये 2018 का क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां पे है समाजीकरण। देखिए, सोशलाइजेशन के क्वेश्चंस काफी बार पेपर में आते हैं। 2016 का क्वेश्चन ये आपसे यहां पे पूछा गया था। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, जो सोशलाइजेशन है वो एक कैसा प्रोसेस है, आपको बताना है कौन सा वो प्रोसेस है। यानी कि इसमें से अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, म्यूचुअल कॉन्सेप्ट रहता है, रेलिवेंट रहता है, या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर यहां पे रहेगा, सोशलाइजेशन जो है वो एक म्यूचुअल कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित होता है। म्यूचुअल का मतलब होता है कि दो लोगों के साथ समझौता करना है, उनके साथ उठना बैठना है, तभी हमें सोसाइटी के बारे में पता चलता है। अगर मैं अकेले की बात करूं, अगर मैं अकेला हूं, अकेले ही कहीं पे जा रहा हूं, अकेले ही कहीं पे मैं घूम रहा हूं, अकेला स्कूल जा रहा हूं, तो वो प्रॉपर ढंग से सोशलाइजेशन नहीं हो पाती। सोशलाइजेशन कब होगी, जब एक पर्सन दूसरे व्यक्ति के साथ जो है वो मिलेगा, यानी कि म्यूचुअल इंट्रैक्शन लोगों के बीच होगी, बच्चों के बीच होगी। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की एक प्रक्रिया मुख्यतः क्या होती है, आपको बताना। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज मेनली, ये एक कैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल है, लर्न प्रोसेस है, उसके बाद है मेजॉरिटी बेस्ड, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, समाजीकरण यानी कि सोसाइटी में आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें
सोशलाइजेशन में काउंट की जाती हैं। जैसे जब छोटा बच्चा कहीं अगर अपने मेहमान के घर जा रहा है तो वहां पे उसको पेरेंट्स जो वो कई बार बोलते हैं कि ये नहीं करना आपने, वहां पे ऐसा नहीं करना है, ठीक है, नाक नहीं कटवानी है आपने वहां पे हमारी, ठीक है, और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह वहां पे रहना, तो पेरेंट्स एक होप लगा के रखते हैं। वैसे ही उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन, कि आपका उठना बैठना किस तरीके से, आपका बात करने का तरीका क्या है, बिहेवियर क्या है, आप ये सारी चीजें सोशलाइजेशन में काउंट की जाती हैं। तो हमेशा सोशलाइजेशन जो है वो बायोलॉजिकल नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि जो पेरेंट्स के गुण हैं वही सेम टू सेम बच्चों के अंदर आए, तो ऑप्शन ए तो गलत है। उसके बाद है मेजॉरिटी बेस। हाँ, मेजॉरिटी के ऊपर डिपेंड होती है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि पूरी तरह से मेजॉरिटी के ऊपर डिपेंड है तो ऐसा नहीं है। मैच्योर पर्सन क्या होता है, उसको पहले से पता होता है कि किस तरीके से उसका बिहेवियर होना चाहिए, लेकिन 101% इसको मैं काउंट नहीं कर सकता। आपको कुछ ना कुछ समाज में रह के कुछ ना कुछ चीजें जो है वो लर्न करनी पड़ेंगी, आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी आप किसी चीज के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया पिछले एग्जाम्पल में कि अगर कोई एक अकेला व्यक्ति है, अगर वो अकेला ही जा रहा है हर जगह, वो अकेला घूमने जा रहा है, खाना खा रहा है, अकेला ही हर वो सारे काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं हुई कहीं से भी, तो उसको कुछ भी वहां पे सीखने को नहीं मिलेगा। तो जब वो सीखेगा नहीं, इसका मतलब सोशलाइजेशन नहीं हो पाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग के ऊपर जो है सोशलाइजेशन डिपेंड होती है, ये इसका राइट आंसर है। 2018 का ये क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, ये आपको बताना है, यानी कि सेकेंडरी स्टेज कौन सी है आपकी, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी कौन सी है, ये आपको बताना है। सबसे पहला है फैमिली एंड नेबरहुड, फैमिली एंड मीडिया, स्कूल एंड मीडिया, या फिर मीडिया एंड नेबरहुड। ये एचपी टेट जेबीटी के एग्जाम में 21 नवंबर 2021 को ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। इसमें सेकंड नंबर पे, सोशलाइजेशन के सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो ये आपको बताना है। देखिए, जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो तो आती है फैमिली और हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, क्योंकि जब 1 से 5 साल का बच्चा है वो अपनी फैमिली में ही रह रहा है, तो वो तो उसकी प्राइमरी स्टेज आ गई। सेकेंडरी कौन सी आएगी, जब बच्चा कहां पे चला जाएगा, स्कूल में चला जाएगा। तो विद्यालय वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, स्कूल एंड मीडिया, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या कहा जाता है, आपको बताना है। द बेसिक एजेंसी ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल इज कॉल्ड, जो बेसिक एजेंसी है उनकी, ठीक है, कहां से बच्चों की मेन सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, कहां से, चाहे वो लड़का है या फिर वो लड़की है, ये चीज आपको यहां पे बतानी है। देखिए, पहला ऑप्शन है स्कूल, स्कूल से होती है, बच्चों में समझ आती है। दूसरा है यहाँ पे कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी कि जो सोसाइटी है वो भी आपको काफी ज्यादा चीजें सिखाती है। उसके बाद है माता पिता, तो माता पिता से भी हमें पता चलता है, और आज के जमाने का है ये मास मीडिया, सोशल मीडिया, उससे भी हमें पता चलता है। तो ऑप्शन तो चारों ही यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन आपको यहाँ पे टिक करना है वो ऑप्शन जो हाइएस्ट मेजोरिटी को क्या कर रहा है, प्रेफर कर रहा है। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, माता पिता। यानी कि यहां पे एक बात लिखी गई है, बेसिक एजेंसी, बेसिक का मतलब होता है बेस कहां से, जड़ कहां से हुई, तो जड़ कहां से है, कौन सिखाएगा बच्चों को, उनके माता पिता या उनकी फैमिली से जो है वो बच्चों के अंदर सामाजिक विकास जो है वो होना शुरू होगा। तो हाइएस्ट मेजोरिटी जा रही है आपके ऑप्शन नंबर बी के साथ, इसलिए राइट आंसर यहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका मीनिंग आपको बताना है। मीनिंग के क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशंस के क्वेश्चन भी आते हैं, अभियोग्यता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीटनेस, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल स्किल, बच्चे के अंदर जो शारीरिक विकास है वो, उसकी बढ़ोतरी होती है, उसमें स्किल्स जो है उसकी डेवलप हो जाती है, व्यक्तिगत विकास यानी कि बच्चे के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट भी हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका सितंबर 2013 में पूछा गया था। अभी हम सोशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ही ज्यादा यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं, तो आपको बताने की कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो किस चीज से जुड़ी है। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास यानी कि हमारे ब्रेन से जुड़ा है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है हमारे ब्रेन, हमारे माइंड, हमारे जो माइंड के पार्ट हैं
कॉन्शियसनेस है, सब कॉन्शियसनेस है, ठीक है, ये अनकॉन्शियसनेस पार्ट है, उन सभी के साथ ये जुड़ा है। यानी कि इसमें पूरी तरह से बच्चे की क्या होती है, एक कंप्लीटनेस तरीके से क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल सही रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फेमस साइकोलॉजिस्ट के नाम यहां पे आपको दिए गए हैं। पहला है जीन पियाजे, दूसरा है ब्रूनर, जो अगर मैं बात करूं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की तो उसमें ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है। जेबीटी अगर आपने की है आपको भी ये चीजें जो है वो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में ही सिखा दी जाती है, क्योंकि इन दोनों के जो प्रिंसिपल्स हैं, चाहे जीन पियाजे हो चाहे जेम्स ब्रूनर हैं, ये दोनों के दोनों कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। दोनों की जो थ्योरियां हैं वो किसके साथ रिलेटेड हैं, संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ आर राइट, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहां पे रहेगा। दिसंबर 2014 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी फेमस साइकोलॉजिस्ट के आपको नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, यानी कि किस साइकोलॉजिस्ट ने यह कहा था कि चिल्ड्रन क्रिएट्स देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बच्चा जो है वो खुद से वर्ल्ड के बारे में जो है वो क्रिएशन कर लेता है कि हाँ ऐसी चीजें हो रही होंगी। जैसे सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो मैं तो सोलर सिस्टम में गया नहीं, ठीक है, ना ही मेरे पेरेंट्स गए हैं सोलर सिस्टम में, किसी ने अर्थ नहीं देखी, ठीक है, हमने कहां पे देखी, पिक्चर में देखी, ठीक है, मूवीज में देखी, यूट्यूब के ऊपर देखी, फोटो जो होते हैं, ठीक है, चार्ट्स में देखी, बुक्स में देखी, लेकिन अगर मैं बोलूं लाइव अपनी आंखों से देखी तो वैसा नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ मून बाकी जितने भी हमारे प्लैनेट हैं चाहे वो सैटेलाइट्स हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, हमने देखा नहीं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अपने तरीके से वर्ड की क्रिएशन कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, यानी कि माइंड से रिलेटेड है। तो माइंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अभी हमने यहां पे डिस्कस किया था, किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहां पे रहेगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, पैवलोव, स्किनर और कोलबर्ग, इन तीनों की थ्योरियां जो है वो बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट है, बिहेवियर। और जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी दी थी किसके ऊपर, जो अभी मैंने आपको बताया, संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2013 में ये क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है, पियाजे से नेक्स्ट इज पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज ईगो सेंट्रिज्म, ईगो सेंट्रिज्म क्या है ये आपको बताना है। द चाइल्ड इज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम, वातावरण ज्ञान का केंद्र है, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ नॉलेज है, सेंसरी स्टेट है या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपका आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, 2018 में आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया, फिर 16 में पूछा गया, फिर 2013 में पूछा गया, आर्ट्स के एग्जाम के साथ साथ टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो हेलो, हाँ जी, मैं आया ऊपर ही आया, मैं ऊपर ही आया था, ठीक है, आया आया मैं थोड़ी देर, ठीक है ठीक है ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है, यानी कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हाट इज ईगो सेंट्रिज्म। ईगो सेंट्रिज्म क्या है, तो ये आपको बताना है। बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पे सही फिट हो रहा है, क्योंकि जीन पियाजे ने यही चीज कही थी कि जो बालक है वो ये सोचता है कि सारी चीजें मेरे आसपास हो रही हैं, मेरे ही अकॉर्डिंग सारी की सारी क्या है, क्रिएशंस हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आपके सितंबर 2018, 16 और 13 में आपके प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, जो जीन पियाजे थे उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किस फील्ड में ज्यादातर जानी जाती है। सबसे पहला है लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर मोरल डेवलपमेंट और उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो जीन पियाजे का मेन कॉन्सेप्ट था उन्होंने किस बारे में वो चीजें समझाई थी, ये आपको बताना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी मैंने आपसे बात की संज्ञानात्मक विकास हम जिसको कहते हैं, ज्ञानात्मक विकास हम जिसको कहते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन से जो चीजें जुड़ी है। बिहेवियर का कॉन्सेप्ट जीन पियाजे और ब्रूनर ने नहीं दिया, जीन पियाजे ने दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट आंसर रहेगा। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इज, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास क्रम, विकास जो है वो किस क्रम में होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी, कंक्रीट, ये जीन पियाजे का ही कॉन्सेप्ट जो था वो यहाँ पे रहेगा। तो जीन पियाजे ने कॉन्सेप्ट दिया था पहले सेंसरी मोटर्स बच्चे के अंदर आते हैं, यानी कि सेंस किसी चीज से टच करा रहे हैं, जैसे मैंने अपने अंदर यहाँ पे अगर पिन को टच कराऊंगा तो मेरे को क्या लगेगा, कोई चीज ऐसे लगेगा कि कोई चीज पिंच हो रही है, तो सेंसरी मोटर। फिर कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब है बच्चा मटेरियल तैयार करने लगता है, और फाइनली कहां पे चला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट मोड में चला जाता है। तो ये जीन पियाजे की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग टेट के एग्जाम में जीन पियाजे के ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाने हैं, इसलिए थ्योरियों को आपने प्रॉपर ढंग से रिवाइज करना है। इसका आंसर ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास की मूर्त क्रियावस्था में सामान्यता किस आयु को शामिल किया गया है, यानी कि जीन पियाजे ने कॉन्सेप्ट दिया कि कौन सी एज को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से हम जानते हैं। जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 और 12 से 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचपी टेट 2021, 2018, 2018 और यहाँ पे 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है कंप्लीट ऑपरेशन की स्टेज कौन सी है। मेनली 4 स्टेजेस जो है वो जीन पियाजे ने दी थी, जिसमें से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 7 से लेके 11 साल तक के बच्चों में चलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त क्रियात्मक अवस्था चरण के समरूप है, यानी कि आपको बताना है कौन सा ऐसा पेयर ग्रुप है जिसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो बच्चा करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन आपके सामने किया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो वही चीज यहाँ पे पूछी गई है जिसमें बच्चा क्या करता है, चीजों को सीखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे 7 से 11 साल जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। सो ऑप्शन सी जो है वो इसका यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सो ये आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको आज की क्लास जो है वो अच्छी लगी। आप डेली टू डेली जो हमारी साइकोलॉजी की क्लासेस हैं उनको आप लगाइए, और इसके साथ हिमाचल जीके की क्लासेस को भी ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया है, उनको भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमारे पेड कोर्सेज के ऊपर आप उनको लगा सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी, इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम आपके लिए जल्दी ही जीके, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी आपके टेट के एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आपको करवाएंगे। सो एक बार वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। Oh, 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 oh